लेकिन मेरी बहू जो है कभी भी भारतीय जनता पार्टी से सदस्यता नहीं ली थी, इसलिए उस तरह से कोई बिना आधार के अपने कमेटी में शामिल करा और बाहर निकाला, हमको उसका नहीं समझ में आ रहा है कि लोगों के मन में क्या है और क्या संदेश देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से निकाल के कि मैं कहां पर हूं। पहले उस पता लगावे लोग कि मेरी बहू पहले भारतीय जनता पार्टी में है कि नहीं है। नवागत नगर पंचायत परतावल में नगर निकाय चुनाव वोट पड़ने में महज 2 दिन बाकी है, ऐसे में सभी प्रत्याशी तन मन धन से फील्ड में उतर रहे हैं और लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पर उनसे चर्चाएं कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख हरिशंकर वर्मा की बहू हैं पूनम वर्मा, बात करेंगे उनसे। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर पंचायत परतावल की जनता को नमस्कार करना चाहती हूँ, सादर प्रणाम करना चाहती हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार इस नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है और आप अध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ रही हैं, क्या वो मुद्दे हैं जिन पर आप लोग चुनाव मैदान में जा रही हैं? मैं क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि क्षेत्र का विकास हो। जब मैं क्षेत्र में जाके भ्रमण कर रही थी तो वहाँ पे मुझे काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली जिससे लोगों के स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, बीमारियां फैल रही हैं, नालियों में गंदगी है। उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि मुझे क्षेत्र के विकास के लिए कुछ करना चाहिए। आपके ससुर जी राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, लोगों के बीच में जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, तो कितना फायदा होने वाला इस चुनाव में? जनता उन्हें बहुत प्यार करती हैं, वो बहुत दयालु प्रवृत्ति के इंसान हैं, वो हरदम जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आधी रात को भी कोई आए तो वो उनके साथ चले जाते हैं उनके कार्य के लिए, तो इसलिए मुझे लगता है कि जनता हमेशा जैसे मेरे पापा जी का साथ देती थी वैसे वो मेरा भी साथ देंगी और मुझे आगे बढ़ने में जरूर मदद करेंगी। अगर आप चुनाव जीतती हैं तो नगर पंचायत के लिए पहला काम कौन सा होगा? सबसे पहला कार्य तो नगर की सफाई का ही होगा, क्योंकि बहुत चीजें देखी गई हैं, कच्ची सड़कें हैं, गंदी नालियां हैं, पानी है, गंदगी फैल रही है, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां होने का खतरा है। तो इसी वजह से सबसे पहले स्वास्थ्य की ओर देखते हुए नगर पंचायत में सुधार किया जाएगा नालियों। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जनता आपकी साथ देगी? हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि जनता मेरे पापा जी को अच्छे से जानती है, तो जब वो उनका हमेशा से साथ देती आई है तो वो मेरा भी जरूर साथ देंगी, क्योंकि वो हमेशा विकास के तरफ बढ़ाए हैं नगर पंचायत को, नगर को। तो अब जनता मेरा भी समर्थन करेंगी कि हाँ, मैं भी उनके साथ रहूं और नगर पंचायत परतावल को आगे बढ़ने में मदद करूं। क्या संदेश देना चाहेंगी इस नगर पंचायत के लोगों को? हम नगर पंचायत में लोगों को यही कहना चाहते हैं कि वो मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद करें, मुझे अधिक से अधिक वोट देकर मुझे विजयी बनाएं, ताकि मैं उनके कार्य के लिए, उनकी दिक्कतों के लिए, उनकी हर प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी रहूं और उनकी प्रॉब्लम्स का अंत करूं। और गांव में एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, चाहे ये सड़कों की दिक्कतों को, सब चीज़ों को मैं सुधार लाऊं, और जन्म मृत्यु पंजीकरण जो होता है, चाहे दौरे के दौरान मैंने देखा कि बहुत सी विधवा औरतें थीं जो कह रही थी कि उनको विधवा पेंशन नहीं मिल पा रही हैं, तो उन सब चीज़ों में भी सुधार लाने की कोशिश करूंगी, उनको पेंशन दिलवाऊंगी। बाकी बहुत सारे कार्य हैं ऐसे जो नगर पंचायत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, यहाँ पे एजुकेशन की भी बहुत कमी है। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ मौजूद थी निर्दलीय प्रत्याशी पूनम वर्मा, जिनका चुनाव चिन्ह जीप है। इनका ये कहना है कि अगर नगर पंचायत परतावल की जनता हमें चुनती है तो उनके मूलभूत जो सुविधाएं हैं और जो समस्याएं हैं उनके लिए मैं सदा तत्पर रहूंगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख हरिशंकर वर्मा मौजूद है। सर, आप निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और आपकी बहू नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार है, जनता के बीच में जो आपका संबंध स्थापित हुआ है, कितना मदद मिलने वाला इस चुनाव में? आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से भी और अपने माध्यम से भी आप लोग पता लगाए ही होंगे कि हमारा जनाधार क्या है। हम लोग क्षेत्र में आज से नहीं,
25 साल से जुड़े हुए हैं और हम लोग एकदम मिट्टी से जुड़े हैं। ये नहीं है कि हम कहीं आज एकाएक मैदान में उतर गए हैं चुनाव के मैदान में। मुझे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और मैं कोशिश, मेरा आशा भी है कि जनता का अपार स्नेह मिलेगा और हम बहुत अधिक मतों से विजयी होंगे। सर, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? देखिए, मुद्दा तो बहुत है, मुद्दा बहुत है। चूंकि नया अभी नगर पंचायत हुआ है, इसलिए अभी तो मुद्दा सब उसी तरह से पड़ा हुआ है। और जो भी समस्याएं आएंगी, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी का व्यवस्था हो, पेयजल हो, शुद्ध पानी आरो प्लांट का हो, हम लोग कोशिश करेंगे कि हर जगह ये सुविधा मुहैया करावे। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जब तक जान रहेगा, मैं इस जनता के लिए अपनी जान लड़ा दूंगा। इस बार नया नगर पंचायत बना है ये परतावल, जब ग्राम पंचायत था तो कितना विकास हुआ था? देखिए, हम लोग सन 2005 से हमारा भतीजा शंभू वर्मा प्रधान रहा है और 5 साल के जो कार्यकाल थे, आज उसी कार्यकाल में जो विकास हुआ है, उस विकास को देखते हुए आज की जिस क्षेत्र की जनता मुझे अपने सर आंखों पर उठाई है। जहां आप देखिए, एक मेहाबार से रास्ता था भौसगढ़ जाने के लिए, वहां पर एक मोटरसाइकिल नहीं जा पाती थी। हम लोगों के प्रयास है, चूंकि हम उस समय संक्षोभ में प्रमुख भी हमारी श्रीमती जी थी और कुछ प्रधान हमारा शंभू वर्मा भतीजा था, उन दोनों का आप आर्थिक मदद से हम लोग उस रोड को इतना बढ़िया करवा दिए कि आज की जनता उस आज तक नहीं भूली है, न कभी भूलेगी वो। आप भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे, टिकट ना मिलने के अभाव में आप निर्दल प्रत्याशी बन करके अपने बहू को उतारा है, पार्टी की तरफ से आपको 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया, तो कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं तो ठीक है, हमारा कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बहू जो है कभी भी भारतीय जनता पार्टी से सदस्यता नहीं ली थी। इसलिए उस तरह से कोई बिना आधार के अपने कमेटी में शामिल करे और बाहर निकाला, हमको उसका नहीं समझ में आ रहा है कि लोगों के मन में क्या है और क्या संदेश देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से निकाल के कि मैं कहाँ पर हूँ। पहले उस पता लगावे लोग कि मेरी बहू पहले भारतीय जनता पार्टी में है कि नहीं है। नगर पंचायत के जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश दे रहा हूँ कि ये चुनावी समय 2-3 दिन रह गया है और आप मुझे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनावे और मैं आने पर आप लोगों को कहना नहीं चाहता, दिखा के दिखाएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं।